Good morning, all of you. Today we study of lesson 1.2 NCERT books. जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हम देखेंगे कैसे बनता है. Express each number as product of its prime factors. इसके prime factors के form में तोड़ना है. ये तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी 3, 4, 5, 6 खूब बनाते थे. करना कुछ नहीं, मैं उसका एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ. फर्स्ट का फर्स्ट दिया है 140. इसका सोल्यूशन कैसे कर, फर्स्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पेंसिल इस तरह से कर 2 से 7 2 से 35. 3 के टेबल में है नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में है. 5, 7, 35. ये समझ में आ रहा है. प्राइम नंबर सॉल्व नहीं है, हम लोग को डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर में. और उसके बाद 140 को हम लोग लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7. ये सब ये 2 double times है, इसको 2 × 5 × 7. दैट्स इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे. इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग बना लेंगे क्योंकि मैं सबका को लेके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी आप लोग बनाएंगे. ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अगर न समझ में आएगा तो आप लोग. आगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर. इसको पेयर ऑफ इंटीजर डबल नंबर है इसलिए. एंड वेरीफाई करना, वेरीफाई भी करना है. क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. इसमें कोई नहीं है किस विधि से प्रोसेस से निकालने, डिवीजन से एचसीएफ निकालना है. तो हम कीमत हम लोग चाहे जैसे निकाल सकते. देखिए सेकंड का फर्स्ट ही हम लोग बना लें. क्या क्वेश्चन है, 26 और 91. कितना है 26 और 91. इसको आप लोग रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो उसी तरह इसको देखिए 26 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 13. क्योंकि 26 ऐसे करके तो 2 × 13. और 13 कटने वाला नहीं है बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर. उसके बाद 91, तो 91 का निकाल दीजिए क्या होगा, इसके टेबल में 7 × 13 91. उसके बाद ये जो कटने वाला है 27 91 बोला है, ठीक है. और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन तो हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या है 13, और कुछ बोल रहा है नहीं, 13 हो गया. एमसीएफ क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसको 1 times, जो कॉमन मिलेगा उसे 1 times, बाकी जो बच गया उसको लिख दिया. जैसे कि ये 13 मिल गया है, उसके बाद इसमें क्या क्या है 2, इसको और है नहीं है, इसमें 7 है, 7 बाकी बच गया नहीं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 × 26 182. इस प्रकार से आपका एचसीएफ और
एलसीएम आयन और फॉर एनिटाई करने के लिए तो वेरीफाई कैसे करोगे एलसीएम इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो तरीका तो एलसीएम है आपका 182 और एलसीएफ है 30 फर्स्ट नंबर कितना है 26 सेकंड नंबर कितना है 91 इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए 32 जा कितना हो जाएगा 2, 3 ना और इसको कर दीजिए 26 में 91 से 62 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है और फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स ये जो वही कह रहा है जो फॉलोइंग इंटीजर्स है उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे और कुछ करेंगे अच्छा अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर क्वेश्चन नंबर 1 निकाले हैं तो उसी के प्रोसेस को हम बना देंगे अब जो टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही बना है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हाँ तो इसमें मैंने सेकंड और थर्ड को छोड़ दिया है जिसको आप लोग कंप्यूटर बना लेंगे नहीं बनेगा तो पूछेंगे आपसे फर्स्ट गूगल 15 20 और देखिए मैं वो एनसीएम इस टाइप का नहीं छोड़ दिया डायरेक्टली वो दस मतलब नंबर है कोई डाउट नहीं 2 into 2 into 3 into जो फोर्थ दिया 15 3 into 5 और 21 3 into 7 ठीक है ओके तो HCF हाईएस्ट कॉमन सब में क्या मिल रहा है यहाँ 3 देखिए ये इसको चले ठीक है कोई नहीं यहाँ इसको चले दिख रहा है ना मैं देखो बच्चे को बोल रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं हाँ चलिए ठीक है ये आपका
बाकी इसमें क्या बच गया, 2 into 2 और कुछ, इसमें क्या बच गया 5, इसमें क्या बच गया 7, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 6 12 12 5 60 67 420. आप लोग खुद बनाएंगे, नहीं बनेगा तो पूछेंगे।